नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंचायत आम चुनाव में किए गए चुनाव सुधार कार्यक्रम में अब बूथ लूट संभव नहीं होगी। देश में पहली बार बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक में मतदाता की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उनके आंख की पुतली और अंगूठे की छाप को पहचान के तौर पर मतदान समाप्त होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर नई दिल्ली में मंथन जारी है। बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में जमे हुए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर लगी रोक को बढ़ाने की घोषणा की है। DGCA की तरफ से कहा गया है कि कमर्शियल फ्लाइट पर यह रोक 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, आज का युवा मन घिसे पिटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हटकर करना चाहता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों में हस्तक्षेप करने के लिए नीति आयोग के कड़े शब्दों में निंदा की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने जिस प्रकार से ई कॉमर्स व्यापार में उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा नियमों के प्रारूप पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो स्पष्ट रूप से नीति आयोग पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के दबाव और प्रभाव का नतीजा है। चौतरफा टीम इंडिया की आलोचना हो रही है। विराट कोहली के अड़ियल फैसलों की निंदा हो रही है। हर कोई बदलाव की बात कर रहा है, वो बदलाव जो पारी और 76 रनों की हार के बाद जरूरी है। मतलब साफ है कि ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट में पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की सूरत बदलनी तय मानी जा रही है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने राज्य में चल रहे घटनाक्रम और पंजाब और बंगाल की राजनीति पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए जमकर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू के ईंट से ईंट बजा कर देने वाले बयान पर घेरते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के संस्कार उन्हें ले डूबेंगे। कोविड 19 के 45,083 नए मामले आज दर्ज किए गए हैं, जो शुक्रवार की तुलना में 3.5% कम है। यह अलग बात है कि कोरोना के सक्रिय मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, केरल में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में केरल में कोरोना संक्रमण के 31,265 नए मामले सामने आए हैं। अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जल्द ही कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो में नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप की जिस तरह की छवि है, उसे देखते हुए शो के निर्माताओं की तरफ से उन्हें बतौर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालयों को 50% छात्र क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है, जहां छात्र छात्राएं साथ पढ़ते हैं। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध में है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार से मंदिरों को खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने लोगों से इस मुद्दे पर सड़क पर आकर आंदोलन करने की अपील भी की है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां रविवार को फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को हटाया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू किया गया है। भाजपा नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नजला इस बार चीन पर बरसा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि चीन भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता है तो 1993 के समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वापस नहीं जाता है तो भारत को उसे युद्ध करना चाहिए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अभी मादक पदार्थ रखने वाले मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को रविवार को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एनसीबी ने कोहली के मुंबई स्थित घर से कथित तौर पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिलने के बाद इनसे पूछताछ भी की थी। भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत देश भर में चलने वाली 8,000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदल जाएगा। ऐसा करने से ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और समय भी बचेगा। इस दौरान कई ट्रेन बंद भी हो जाएंगी। भारतीय रेलवे ने इसका नाम जीरो बेस्ड टाइम टेबल रखा है। आतंकियों का पनाहगार बन चुका पाकिस्तान जितना चाहे खुद को दूध का धुला साबित करता रहे, लेकिन दुनिया के सामने उसका चेहरा बेनकाब होता ही रहता है। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि भारत को रोकने के लिए ही पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 अगस्त को भारत सीरीज व्हीकल नंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सीरीज के लागू होने के बाद केंद्रीय PSU, राज्य सरकार और प्राइवेट संस्थान जिनके 4 राज्यों में ऑफिस है, वहां पर काम शुरू हो जाएगा।
टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला मेडल टेबल टेनिस में जीता और यह मेडल खिलाड़ी भावना बेन पटेल ने दिलाया है। भावना ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पूरे भारत को यह तोहफा दिया है। गोल्ड मेडल के लिए खेले गए मैच में भावना को दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की यिंग झाओ के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें अब कांस्य पदक में जीत मिली है। रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी कि अब उन्हें कम किराए में शानदार सुविधा मिलेगी। रेल मंत्रालय की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए डिजाइन नई श्रेणी इकोनॉमी AC3 औपचारिक रूप से शुरू करने की घोषणा की गई है। विभिन्न जोन को ऐसे इकोनॉमी AC3 के 50 कोच दिए गए हैं। इसके साथ ही इसका किराया तय कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में महामारी के मामलों की संख्या 7,560 पर बनी हुई है। 29 अगस्त को पूरा देश हॉकी इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा है। आज मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद को जन्मदिवस को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय जेलों में बंद दो पाकिस्तानी नागरिकों को शनिवार को अटारी सीमा के रास्ते जेल की सजा पूरी होने के बाद स्वदेश भेज दिया गया है। दोनों में से एक किशोर है जो 2 साल पहले अनजाने में राजस्थान से भारतीय सीमा पार कर गया था। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया को मेजबान इंग्लैंड के हाथों तीसरे टेस्ट मैच में पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही 5 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। दोनों के बीच चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जाएगा। हालांकि अगले मैच में जडेजा के नहीं खेलने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि उन्हें कथित तौर पर चोट लगी है। RBI ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर बैंक इन सिक्कों को गांव या सेमी अर्बन इलाके में बांटते हैं तो उसे 10 रुपए प्रति बैग के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। दरअसल अभी ग्रामीण इलाके में छोटे हाट बाजार लगते हैं जहां लेनदेन में सिक्के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। ज्ञात हो RBI के पास सिक्कों का कलेक्शन काफी ज्यादा हो गया है। भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ एक करार किया है। सेना एक मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू कर रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में लाइट मशीन गन बैटल कार्बाइन और असॉल्ट राइफल की खरीदारी की जा रही है ताकि पुराने और अप्रचलित हथियारों को बदला जा सके। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत अफगानिस्तान संकट को लेकर चुपचाप नहीं बैठा है। वो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद भारत आतंकवाद को लेकर तालिबान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा। जिस उम्मीद में पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा था PM इमरान खान की उसी उम्मीद को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान चाहता था कि तहरीके तालिबान की समस्या सुलझाने में तालिबान उसकी मदद करेगा मगर काबुल पर कब्जा जमाने वाले संगठन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने पाक से दो टूक कहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की समस्या है, उसे ही खुद सुलझाना होगा न कि अफगानिस्तान को। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पहले फेकू सरकार थी, अब बेचू सरकार हो गई है। यह सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें एयरपोर्ट और रेल बेच रही है, वो सब कुछ बेचने पर उतारू है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। IRCTC यानी भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आज से भारत दर्शन ट्रेन शुरू करने जा रहा है। भारत ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारिका और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी कराएगी। 29 अगस्त को खुलने वाली ट्रेन वापस 12 सितंबर को लौटेगी यानी कि कुल 13 दिनों का यह धार्मिक यात्रा है। अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियों में रहने वाले गोपाल मंडल ने चुप होने की दवा बताई है जिसके तहत इस बार उन्होंने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मंत्री बना दिया जाता तो उनकी बोली सुधर जाती। गोपाल मंडल ने कहा है कि पद मिलने के बाद व्यक्ति बंध जाता है और फिर संभल कर बोलता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, सिफोन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, प्रमोद राम, सुपर बिहार, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, प्रद्युम्न कुमार, मुक्ति कुमार, इमरान आलम, अमित कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, सूरज सिंह, अरविंद सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केरल में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।